दीवान भी की हद से आगे गुजर ना जाऊं। आँखों में उसका चेहरा उसकी अदा है बड़े कातिल नहीं पता छाया है क्या नशा मुझको लगता है प्यारा। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं फहीम और आज एक और नई वीडियो आपके लिए लेके आ चुका हूं। दोस्तों, एक फिल्म है जिसका नाम है अंजाम फिल्म, शाहरुख खान सर की एक और फेमस फिल्म। उस फिल्म की शूटिंग मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। दोस्तों, आपको बता दूं, जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूं, आप मुझे यहां पर बहुत बार देखते रहते हो, क्योंकि मैं यहां सिर्फ एक बार नहीं, मतलब आते ही रहता हूं, मतलब महीने में 2-3 बार आ जाता हूँ, ऐसा हो जाता है। मैं हूँ दोस्तों जुहू बीच पर। आप जो पीछे का व्यू देख रहे हो, ये है मुंबई की फेमस बीच जुहू बीच। और आज मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ एक मुंबई की फेमस लोकेशन। दोस्तों, आप मेरे पीछे जो बंगलो देख रहे हो, ये बंगलो है मुंबई का फेमस बंगलो, जिसका नाम है मयूर बंगलो। दोस्तों, ये बंगलो जो आप देख रहे हो, खंडर आपको दिख रहा है, ये अभी खंडर दिख रहा है, लेकिन जब 1994 में शाहरुख खान सर की अंजाम फिल्म शूट हुई थी तो वो इसी बंगलो के अंदर हुई थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 1994 के हिसाब से नाउ इट इज़ 2022, तो फिल्म को बन के हो चुके हैं करीब 28 साल। तो 28 साल के बाद बंगलो उधर है और मैं इधर हूँ। तो ये वही बंगलो है दोस्तों, जहाँ पर वो सारे सीन रिकॉर्ड किए गए थे फिल्म के। शाहरुख खान का घर है दोस्तों ये अंजाम फिल्म के अंदर, ये वही घर है जहाँ पर शाहरुख खान रहते हैं अंजाम फिल्म के अंदर। दोस्तों, अंजाम फिल्म में शाहरुख खान जिस घर में रहते हैं, जहाँ पर वो सॉन्ग रिकॉर्ड किया गया था अब से 28 साल पहले, तो वो यही बंगलो के अंदर है। दोस्तों, अभी हम बंगले के अंदर जाएंगे और आपको वो दिखाएंगे, वो स्विमिंग पूल, वो जगह आज कितनी बदल चुकी है 28 साल के बाद में। तो उसी फिल्म के अंदर एक सॉन्ग है, बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना। तो दोस्तों, उसी फिल्म में, उसी सॉन्ग के अंदर शाहरुख खान अपनी मम्मी जी के साथ डांस करते हैं, तो वो यहाँ पर खड़े होकर डांस करते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट में देखोगे तो ये जो नारियल का पेड़ देख रहे हो, इसके पास वो खड़े हैं और बैकग्राउंड में ये वाला व्यू दिखता है। आप ये वाला व्यू दिखा दीजिए, ये बैकग्राउंड होता है और ये जो नारियल का पेड़ आप देख रहे हो, इसके पास में वो खड़े हुए होते हैं। तो दोस्तों, 28 साल बाद आज हम आपको वो बंगलो विजिट कराने वाले हैं जो आपने अंजाम फिल्म में देखा था। हम आपको वो स्विमिंग पूल दिखाएंगे, आज वो स्विमिंग पूल की कंडीशन कैसी है, आज वो सिचुएशन दिखाएंगे। पहले आप ये बंगलो के बाहर का व्यू देख लो, ये जुहू बीच, मुंबई की फेमस जुहू बीच। ये जो आपको ये लाइट दिख रही है ना दोस्तों, ये बीच के साइड में लाइट्स लगी हुई हैं, ये लाइट भी फिल्म के अंदर आप देख सकते हो। आप जैसे स्क्रीनशॉट में आपको मैं दिखा दूंगा, आप मैच कर सकते हो, ये एवरीथिंग ये वही है। दोस्तों, ये जो आप वॉल देख रहे हो, ये वॉल जो नीचे है, ये यहाँ पर सी फेस है, तो जैसे ही पानी चढ़ता है तो ये आगे तक ना जाए, तो यहाँ पर वॉल लगी हुई है। ये यहाँ से पानी जब बारिश का टाइम होता है या जब समंदर चढ़ता है तो पानी आगे तक आ जाता है। तो इस जगह पर शाहरुख खान सर यहाँ पर बैठे हुए होते हैं और वो सॉन्ग गाते हैं दोस्तों, बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको ये बंगलो दिखाएंगे, वो सीन दिखाएंगे, वो अंदर से सॉन्ग में सीन कैसे दिखते हैं। फिल्म के अंदर बहुत सारे सीन रिकॉर्ड हुए थे, उसी सॉन्ग के कुछ पल हैं, दीवानगी की हद से आगे मैं गुजर ना जाऊं।
आंखों में उसका चेहरा, कैसे मैं उसे दिखलाऊं। तो दोस्तों आइए आप थोड़ा करीब आ जाएं, पहले मैं आपको बता देता हूं। करीब में आके ये जो वॉल है, ये जो आप वॉल देख रहे हो, ये वही वॉल है जहां पर शाहरुख खान सर बैठे हुए हैं, और बैकग्राउंड में जो उनका सी दिख रहा है, जो समंदर दिख रहा है दोस्तों, वही ये समंदर है। आप देख लीजिए 28 साल बाद दोस्तों, समंदर में कुछ नहीं बदलने वाला है। हम लोग बदल जाएंगे, दुनिया में आए हैं, शूट करके चले जाएंगे, लेकिन ये समंदर जैसा था वैसा ही रहेगा। तो दोस्तों यही है वो बंगलो जो अंजाम फिल्म में शाहरुख खान सर का घर दिखाया गया है, जहां पर वो डांस कर रहे हैं अपनी मम्मी जी के साथ में। तो दोस्तों इस जगह पर बैठे हुए हैं शाहरुख खान, और इस जगह पर ये बैकग्राउंड वाला व्यू देख रहा है। दोस्तों आप मैच कर सकते हो लोकेशन को कि ये वही जगह है। दोस्तों देखिए, इस जगह पर उनकी मम्मी है और इस जगह पर शाहरुख खान है, और ये वाला व्यू दिख रहा है, स्विमिंग पूल दिख रहा है। दोस्तों फिल्म में स्विमिंग पूल में पानी है, लेकिन रियल में स्विमिंग पूल में पानी नहीं है, स्विमिंग पूल एकदम खाली पड़ा है। तो दोस्तों ये वो जगह है जहां पर शाहरुख खान सर ने अपनी फिल्म का शूट किया था। दोस्तों आप देख सकते हो शाहरुख खान यहां पर बैठे हैं, और एक सीन यहां पर लिया गया था। दोस्तों ये बैकग्राउंड है, ये सीढ़ी, ये आज भी वैसे ही है। दोस्तों देखिए, सीढ़ी के बाजू में जो ये रखी है, ये मूर्ति रखी है, ये स्टैचू रखा है, ये आज भी वैसा ही रखा है। दोस्तों ये मयूर बंगलो के अंदर है जहां पर शाहरुख खान सर ने अपना ये सॉन्ग रिकॉर्ड किया गया था। दोस्तों ये बंगलो आप चारों तरफ से देख लीजिए, आज के टाइम पर ये बंगलो कितना बदल चुका है। दोस्तों 28 साल हो चुके हैं, और 28 साल में ये बंगलो बदल चुका है। दोस्तों देख लीजिए, यही वही स्विमिंग पूल है जो स्विमिंग पूल में शाहरुख खान गिर जाते हैं, पानी भरा हुआ होता है। दोस्तों मैं भी स्विमिंग पूल के अंदर जंप मार देता अगर पानी होता तो, अभी पानी नहीं है तो यार चोट लग जाएगी मेरे, इस वजह से मैं स्विमिंग पूल में जंप नहीं मार रहा हूं। तो दोस्तों ये वही लोकेशन है, आप मैच कीजिए, जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं यहीं पर शाहरुख खान खड़े होते हैं अंजाम फिल्म के अंदर। दोस्तों ये सारे सीन इस बंगलो में रिकॉर्ड किए गए थे, ये वही बंगलो है जो शाहरुख खान सर का बंगलो है। ये उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और थोड़ा सा मोटिवेट कर दें। दोस्तों आपकी जो वीडियोस आप जैसे जैसे बोल रहे हो, मैं उस हिसाब से बना रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है वो आप समझ सकते हो, बिकॉज़ मैं एक साथ सब जगह की वीडियोस नहीं बना सकता हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर मुझे बताना कि वीडियोस आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग, व्हाटएवर यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ, लव यू गाइज़।